जो नहीं आए उनसे कह देना कि वो बाद में वीडियो देख लें, ठीक है। अच्छा अब आप बताओ समी के, ये जो आपको वेवफॉर्म नजर आ रही है इसका पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इसका क्या है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात ये होती है। कितने टाइम के बाद आपको ये लग रहा है कि ये अपने आप को रिपीट कर रहा है? समझ आ रही है? 0 से 4 सर ये रिपीट कर रहे खुद को। 0 से 4 के बाद देखें, मसला ये है ना कि आगे वो नेगेटिव में जा रहा है। अगर जीरो जी के सर, फोर ठीक के बाद इसने रिपीट करना होता तो ये पॉजिटिव आपके पास आता। समझ आ रही है? मतलब फिर इसका 0 to 8 है फिर। 8 है ना, आपको अब अंडरस्टूड सी बात है कि 8 के बाद ये जो स्टार्ट पॉइंट है वहीं से वो दोबारा आ गया, फिर नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा। जी सर, क्लियर है? नेगेटिव वाला यानी कि हमने नहीं करना अकाउंट नहीं 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 टाइम। नहीं आप बात नहीं समझे, मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ से कि टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है। देखें फॉर एग्जांपल ये एक मैं ले लेता हूँ, एक वेब लेने लगा हूँ, ठीक है। अब ये मैंने ले ली, ठीक है। अब आपके ख्याल में इसका टाइम पीरियड क्या है? ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से लेकर 3, 3 से 1, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6। देखें ये अपने आप को 3 के बाद रिपीट कर रहा है। क्यों रिपीट मैं कर रहा हूं? क्योंकि एग्जैक्ट वही चीज दोबारा आ रही है। जी सर, क्लियर है ना? जीरो टू जी सर, क्लियर सर। उस पिछले में आपके पास क्या था? ये इस तरह से था, फिर ये था, फिर जी ये है, सर, फिर ये है। अब जी ये सर, और ये सेम चीज नहीं है, इसके जी बाद ये अपने सर। आप को रिपीट क्यों कर रहे है? इस तरह से आ रही है। तभी सर क्वेश्चन गलत हो गया था लगता है। हाँ देखे ना, अगर टाइम पीरियड ही आप सही नहीं लेंगे तो जी सर, फिर क्वेश्चन आपका कैसे सही होना? समझ आ रही है ना? जी सर, अब समझ टाइम आता पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका टाइम पीरियड क्या है? 8 है, टाइम है पीरियड जी। 8 है ना। तो अब आपने क्या लिखना है? 0 से लेकर 8 तक इसको इंटीग्रेट करना है। पहले v का मैंने स्क्वायर कर लेना है, 1 ओवर t से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और आखिर मैंने क्या लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। क्लियर है? जी ठीक है सर, अब मसला ये है ना कि अपने आप को चेंज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह जी से कर लेंगे। पहले इसको 0 से 1 करेंगे, फिर क्या करेंगे, 1 से लेकर 2, फिर 2 से लेकर 3, इसी तरह फिर आप करें 3 से लेकर 4। अब एक तरीका ये है, एक तरीका फिर आप क्वेश्चन को देख के अडॉप्ट करते हैं, मैं वो बता देता हूं आपको। देखें मैं शेयर कर लूं पहले इसमें, देखें इस क्वेश्चन में, देखें इसमें बात सिंपल सी बात यह है कि मैं जो 0 से 1 ले रहा हूं ना, ये मैं वैसे ही 0 से 1 ले रहा हूं। बेहतर ये था कि मैं 0 से 2 लेता। क्यों लेता? क्योंकि 0 से 2 तक ये सेम है, फिर 2 से लेकर 4 तक सेम है, 4 से लेकर 6 तक सेम है, 4 6 से लेकर 8 तक सेम है। समझ आ रही है ना? तो उससे भी हो जाने जो मैं कर रहा हूं, मगर उससे मुश्किल से होना, स्टेप्स बढ़ जाएंगे। आसान तरीका क्या है कि आप वो पॉइंट्स ले जिस पे आपके पास वी चेंज नहीं हो रहा। तो मैं ठीक अब, है सर, आप ऐसे सर करें आप। ठीक है, तो जी मैं सर, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह करूंगा। ये देखिए ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, वरना उससे भी हो जाना है, मगर मसला ये है कि उसमें टाइम ज्यादा लगना है, जी सर, ऐसे इसमें आपका टाइम कम लगेगा। दोनों से आप करके देख लें। देखिए एक तरीका इससे ज्यादा टाइम लगेगा कि इसमें आपको कितने इंटीग्रल को सॉल्व करने पड़ेंगे, 8, और उसमें क्या हो जाएंगे, 8 से आप पे आ जाएंगे 4 पे, जी सर, 1 ओवर 4। 0 से 2 करूंगा dt, फिर 1 ओवर t8 करूंगा, 1 ओवर t करूंगा 2 से लेकर 4, फिर
फोर से लेकर सिक्स, और फिर मैंने सिक्स से लेकर, ये क्लियर है? क्लियर है ना? जी सर क्लियर है। एट टी हमने क्या निकाला है, वन ओवर एट, एट निकाले ना टी, वन ओवर एट, वन ओवर एट, वन ओवर एट। स्केयर वेव है, बहुत आसान है। स्केयर वेव में आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, तो वी की हमने वैल्यू लिख लेनी है वहां से और उसको स्क्वेयर कर देना। तो चलिए वैल्यू लिखते हैं वहां से, क्या आती है हमारे पास वेव फॉर्म में वैल्यू, आपने बतानी है जी, बताएं। फोर है ना जी सर, फोर एम्पेयर है, मिली एम्स नहीं है। ऊपर ए लिखा हुआ है, इस एक्सिस पे क्या लिखा है, टी लिखा हुआ है, सेकंड्स आगे, तो इसमें सेकंड है, उधर एम्स है, मिली एम्स नहीं है, तो मैं फोर का क्या लूंगा, स्क्वायर लूंगा, जीरो से टू फोर का स्क्वायर लूंगा, टू से लेकर फोर तक जीरो का स्क्वायर लूंगा, फोर से लेकर सिक्स तक मैं माइनस फोर का स्क्वायर लूंगा, सिक्स से लेकर एट तक जीरो का स्क्वायर लूंगा। तो दो तो इसमें से निकल गए ना, जो जीरो जीरो है, टू से फोर तक और सिक्स से एट तक, ये वैसे ही जीरो है, तो आपका प्रॉब्लम और आसान हो गया। अब ये देखें कितना जल्दी होता है, पहले भी आपको जान के जरा टाइम लगाया ताकि समझ आ जाए आपको। देखें ये वाला वैसे ही जीरो हो गया सर, जी सर, और ये वैसे ही जीरो हो गया, ठीक है। अब सिंपल वन ओवर एट फोर का स्क्वायर डी टी, और आगे क्या है, फोर से लेकर सिक्स तक माइनस फोर का स्क्वायर, माइनस फोर का स्क्वायर, माइनस फोर, इतना माइनस फोर का स्क्वायर डी टी, यहां पे वन ओवर एट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है? वन ओवर एट, फोर का स्क्वायर क्या आएगा, सिक्सटीन, डी टी आ जाएगा जीरो से लेकर टू तक, ठीक है, और माइनस फोर का स्क्वायर भी क्या आएगा, सिक्सटीन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, फोर से लेकर सिक्स तक डी टी, डी टी का इंटीग्रल क्या होता है, टी, टी में लिमिट्स पुट करूंगा मैं, क्या पुट करूंगा मैं, टू माइनस जीरो, और अगले में क्या करूंगा, सिक्स माइनस फोर, तो यहां से टू आ जाएगा, और सिक्सटीन को टू टू के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो टू आ जाएगा, यहां से भी, यहां से भी टू और टू, तो क्या आएगा आपके पास आंसर, फोर प्लस फोर एट, एट आ गया ना, क्लियर है जी? ऑप्शन कौन सा होगा बताएंगे सर, अभी तो सेल्फ का लेना है ना, अभी सेल्फ को लेकिन आखिर स्टेप हम नहीं करते, टू और एट का हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, तब आरएमएस वैल्यू आएगी, वरना ये एमएस स्केल आएगी, मीन स्क्वायर वैल्यू है ये, अगर आप स्क्वायर सॉरी वो नहीं करते, रूट नहीं लगाते, तो मीन स्क्वायर है ना ये, आरएमएस कब निकलेगी कि आखिर में हम क्या ले लें, टू अंडर रूट टू आ जाएगा, या आप यहां से कैलकुलेटर से कर लें, एट का आप क्या ले लें, रूट पॉइंट फाइव, ये कर लें, ये टू पॉइंट एट टू एट फोर आ जाएगा, टू पॉइंट एट टू एट फोर, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपके ख्याल में, अब कौन सा ऑप्शन है, डी है ना, राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है जी सर, क्लियर है, चलिए क्लियर है तो अगले पे जाते हैं, जल्दी जल्दी से आप कर लेते हैं, बाकी आसान है, ठीक है, वो फौरन हो जाएंगे। ये देखें ना, दो पे ज्यादा टाइम लगेगा, आप आगे देखेंगे इस पे आपका टाइम खुद बहुत क्या हो जाएगा, कम लगेगा, ये क्लियर, मैं देख लेते हैं कितना सही होगा। देखे
ये क्या बता रहे हैं आपको, आपको एक साइनोसाइडल गिवन है, उसका आपने मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है। तो ये मैंने आपको क्लास में सॉल्व कराया था, जब आपको साइनोसाइड साइन या कॉज दिया दिया जाए तो उसकी मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है। मैं लंबे इंटीग्रेशन में नहीं जाऊंगा, मैंने सिंपल आपको बताया क्या था कि इसके एम्पलीट्यूड को अंडर रूट टू से डिवाइड कर दें, ये सिंपल बताया था आपको। ये अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप क्लास की जो वीडियो है ना उस वो देख लें, जिसमें हमने साइनोसाइडल के लिए क्या निकाला था, रूट मीन्स किया। तो उसका तरीका क्या है, जो भी इसका एम्पलीट्यूड है उसको अंडर रूट टू से डिवाइड करें। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या था, 5 डिवाइड बाई अंडर रूट टू। तो ये कर लें आप, ये फौरन निकल आएगा, कितनी सोचने की जरूरत है इसमें। 2 का हम अंडर रूट लेते हैं और 5 को उससे क्या करते हैं, डिवाइड। तो 4.35 आ गया आपके पास, अगर मैंने सही निकाला हो, 4.35। यहां से शेयर कर लेते हैं, जी बताएं कौन क्या आंसर आया। आप 5 को क्या करें, अंडर रूट 2 से क्या कर लें, डिवाइड कर लें। 5 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 0.5, तो 3.53 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 3.53। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सी। सी वो गलती आपने की है ना, वो 3.0 है, 3.5355 आंसर है, ए ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो सर अगर यहाँ पर साइन होता, अगर साइन इनटू ओमेगा टी, साइन का भी यही आंसर आना है, अगला यही है, तो फिर भी यही है ना। मैंने आपको बताया साइन और कॉस से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, अगला वही एमसीक्यू है जो आपने भी पूछ लिया खुद से। ठीक है, चले चौथा मैं कर लेता हूं। जी ये क्या है, कैलकुलेट द पावर फैक्टर, ये मैं बताया था आपको। देखें पावर फैक्टर आप कैसे निकालते हैं, इसका सर बता दें सही तरह से, मैं बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, एक सिंपल सा फार्मूला, अगर आपने बुक भी देखी होती या आपने लेक्चर फॉलो किया होता, ठीक है, तो आपको याद होता, मगर मैं बता देता हूँ। देखिए सिंपल आपने क्या करना है, एक सिंपल सा फार्मूला, कॉज जो वोल्टेज का फेज है उसमें से आपने करंट का फेज क्या करना है, माइनस करना है और उसका कॉज ले लेना। क्लियर है, अब मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, इसमें आप बताएं कि जो वोल्टेज का फेज है वो क्या है। एक मिनट, क्वेश्चन में पहले खोल लूं पावर फैक्टर वाला। जी बताएं, वोल्टेज के फेज है 90 और करंट का क्या है 30, तो 90 में से 30 क्या करने, माइनस करने, तो क्या आ जाएगा 60, कॉस 60 ले रहे तो आंसर क्या आएगा, 0.5 आना चाहिए मेरे ख्याल में, मैं कर लेता हूं, आप भी चेक कर सकते हैं, 0.5 आंसर आ रहा है। ये क्लियर है, कैसे किया मैं बता देता हूं। देखे सिंपल तरीका क्या था, ये था कॉज आपने लेना है, अब जो जो वोल्टेज का फेज है वो 90 लिखा हुआ है, जो करंट का है वो 30 है,
तो 90 में से आप 30 माइनस करें क्या आएगा 60, यहां से आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है? इसमें आपके पास ऑप्शन ए आएगा। चल हम अगले पे जाते हैं। तो सर इसमें एंगल का कोई नहीं है, अगर साइन आ जाए तो फिर भी यही सेम ही मेथड है। क्या कह रहे? सेम ही सर मेथड है, अगर साइन भी आ जाए या दूसरा भी और भी कोई आ जाए। हाँ, देखे ना, साइन के केस में आपको थोड़ा सा डिफरेंट बताया था, उसके केस में हम 90 माइनस करते हैं। साइन के केस में अगर आपने फेज निकालना हो, ठीक है, ये आप देखें जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उसका बिल्कुल शुरू वाला पार्ट देखेंगे, कॉस के केस में आप किस तरह निकालते हैं और साइन के केस में। वो जब हमने फेजर पढ़े थे तो फेजर फॉर्म में लिखते हैं ना, तो फेज हमेशा हम कॉस का के लिहाज से देखते हैं। साइन और कॉस आर 180 डिग्री शिफ्टेड, तो जब आपने उसका निकालना होता है तो आप, अगर आपको साइन का गिवन होता है उसमें ऐसे आप 90 क्या करते हैं माइनस कर देते हैं तो कॉस का आ जाता है आपके पास। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है, मगर चलिए मैं वो साइन वाले नहीं दूंगा आपको, मगर मैंने आंसर फिर भी बता दिया आपको। चलिए अगला, अगले पे मैं आता हूं। मेरी बात की समझ आ गई कि नहीं आई? जो आंसर दिया आपको अभी आ गई तो। अच्छा देखें, ये अगला क्वेश्चन देखें, ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं है जो हमने किया? जी सर। इसका आंसर क्या आया था जो अभी हमने किया? इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंट ये है कि उधर आपने आरएमएस वैल्यू निकालनी थी, यहां पे आपने पावर निकालनी है। तो पावर किस तरह निकालते हैं? आई स्क्वायर आर। हाँ, आई स्क्वायर आर, मगर उसमें मसला ये है ना कि आई तो है नहीं आपके पास। चलो आई है तो वी नहीं है इस केस में। मैं आपको बता देता हूं, जो हमने पढ़ा था वो बता देता हूं। देखें थोड़ा सा बता देता हूं आपको, यहां से देखें तरीके आपको बताए थे पावर निकालने के, तरीके क्या है। एक तो ये है ना, आपने जो पढ़ा अभी बताया आई स्क्वायर ओवर आर, तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आई है आपके पास तो उसके साथ क्या कर दे, जो आई अभी आपने निकाला है तो आई की आर एम एस वैल्यू के साथ आप क्या करेंगे, आर को मल्टीप्लाई कर देंगे। आर क्या था? 10। आई की आर एम एस वैल्यू का आपने क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। तो अभी हमने किया है पिछले उसमें, ये किया हमने, आंसर आपके पास क्या आया था? 2√2। ये आर एम एस वैल्यू है ना, तो अगर इसका मैं स्क्वायर लूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2√2 का स्क्वायर लूंगा तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा ना। 8 to 10 से क्या आएगा? 80 वॉट। समझ आ गई? राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 80 वॉट। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूं फिर भी आपको, ये है क्वेश्चन नंबर 5 वाला ना। ठीक है, अब आप खुद देख लें, 80 वॉट्स है ना आंसर बी। तो अगर आपने पिछले एमसीक्यू किया हुआ है तो आपके लिए आसान है, उसका स्केल ले और आर के साथ क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, 80 वॉट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? इसमें ज्यादा कैलकुलेशन की अब जरूरत भी नहीं है आपको, सिर्फ पहले वाले जो एमसीक्यू है वो मैं एक इस तरह का देता हूं जिसमें बच्चों को थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि टाइम भी तो पूरा करना होता। ठीक है सर। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आसान है। ये अभी आपने जो कहा था कॉज वाला, साइन वाला, मगर इसका आंसर आपने खुद देना है। चलें जी, ये नजर आ रहा है आपको?
RMS वैल्यू निकालनी है आपने 5 साइन ओमेगा टी प्लस 30। अभी आपको क्या बताया था कि आपने एम्पलीट्यूड को अंडर रूट 2 से क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। सर इसका आ जाएगा 3.5, हमारे पास क्या आया था 3.5355, वही आंसर आएगा जी सर। साइन हो या कॉस हो आंसर क्या आएगा सेम, यही पूछा था ना आपने जी सर। तो अभी आपको ये शायद इस तरह लगे कि एक क्वेश्चन आसान था बहुत। जी सर जी सर ऐसे ही है ना, उससे भी एक आसान सवाल आ रहा है। चलिए मैं देखता हूँ किसको आता है। जी पावर फैक्टर फॉर अ फेवर रेजिस्टिव लोड इज 1, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है सर। कैसे ट्रू है? देखें हमने कहा था कि रेजिस्टर में आपके पास जो वोल्ट जो आपके पास वोल्टेज और करंट होता है उसमें फेज शिफ्ट होता ही नहीं है, तो उसका जो आपके पास फेज ऑफ वी है और फेज ऑफ आई है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। अभी हमने किया है पावर फैक्टर के लिए, मैं दिखा देता हूँ। अभी जो हमने फार्मूला लिखा वो मैं एक दफा दिखा देता हूँ। ये हमने लिखा है ना, तो रेजिस्टिव में हमेशा ये चीज याद रखें, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के थ्योरेटिकल आंसर क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ये दोनों इक्वल होते हैं रेजिस्टिव लोड में, इंडक्टर में और कैपेसिटर में आउट ऑफ फेज होते हैं, जो रेजिस्टर होते हैं इसमें इक्वल होते हैं। अगर इक्वल हो गए तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो कॉज ऑफ जीरो क्या होता है, वन। क्लियर है? तो पावर फैक्टर ऑफ रेजिस्टिव, अगर सिर्फ रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है आपके पास, आपके वोल्ट अगर सप्लाई लगी हुई है उसके साथ सिर्फ रेजिस्टिव लोड है, कैपेसिटिव या इंडक्टिव लोड नहीं है, तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा, वन होगा। ये याद रखें, ठीक है? ठीक। फिर ना हो ये ना हो कि आपको गिला हो कि सर ने कोई हिंट नहीं दिया हमें। और एक और आसान है, आपको पहला एमसीक्यू इस तरह के आ गया था कि आप परेशान हो गए थे, पता नहीं कौन सा कितना मुश्किल क्वेश्चन है। जी ये पढ़े, ये क्या है, ये मैक्सिमम एवरेज ट्रांसफर हमने पढ़ा था पावर थ्योरम, इसके मुताबिक आपका जो लोड का इम्पीडेंस है, ठीक है, और जो आपके सर्किट का इम्पीडेंस को थेवेनिन इम्पीडेंस हम कहते हैं, ये दो से एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। आपके पास डीसी सर्किट्स में आपके पास जो लोड का रेजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस होती है, और जो सर्किट की रेजिस्टेंस होती है, ये इक्वल होनी चाहिए। जब आप इंडक्टिव सर्किट्स में आते हैं जिसमें आपके पास इम्पीडेंसेस होते हैं, तो उसमें ये एक दूसरे के कंजुगेट पेयर होते हैं, ठीक है, इसका इक्वल होना चाहिए। जो कॉन्जुगेट है ना सिंपल, ये वाला, ये आंसर आना चाहिए, कॉन्जुगेट थेवेनिन इम्पीडेंस, ठीक है। तो ये है आपने, ये अगर आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है तो ये आपके बुक में स्टेटमेंट लिखी है, वहां से ये लिख सकते हैं। हो गया कंप्लीट? जी सर। तो पहले क्वेश्चन के अलावा मुझे बताएं बाकी पे कितना टाइम लगना था। ये मुश्किल से 30 सेकंड का सवाल क्वेश्चन था, पिछले इससे भी 30 सेकंड का, या एक मैम एक मिनट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ज्यादातर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन गिवन है, देखें कितनी थ्योरेटिकल है। मैंने आपको 8 क्वेश्चन दिए इस क्विज में, वो मैं गिन के बता देता हूँ कि रेशो किस तरह से बन रहे ना। इसमें तो खैर सर्किट कोई नहीं है, मगर आपको कैलकुलेशन सिर्फ दो में करनी पड़ रही है, 8 में से 2 में आपने कैलकुलेशन की है। हाँ, तीसरी में जो हमने पावर निकाली है वो पिछली कैलकुलेशन हमने यूज कर ली है, बाकी 6 में से कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ रही है। आपने सिंपल कॉज निकालने हैं, वो तो मेरे ख्याल में 1 मिनट का काम है, अगर आपको फॉर्मूला बताओ, ठीक है जी सर। अब बताएं समझ आ गई आपको? जी सर आ गई समझ। तो अगर इस सेक्शन में से मैं कोई 20 एक एमसीक्यूज बना दूं आपको, तो ये अब आपसे हो जाएंगे ना,
अगर ठीक है, साइन साइन वाले भी आ जाएंगे इसमें। मैं तीन तरह के वेवफॉर्म देता हूँ, इससे बाहर नहीं जाता, ये याद रखें आप। हाँ, मिक्स हो सकता है कि किसी वेवफॉर्म में दोनों आ जाएं, ठीक है। तीन तरह के वेवफॉर्म हमने इस चैप्टर में पढ़, इस पूरे कोर्स में इससे बाहर नहीं निकले। साइनोसाइडल, स्केयर वेव, ट्राइंगुलर वेव। ये जब हमने फ्री ऑनलाइन जब पढ़ा था शुरू में, क्लास में जब हम पढ़ रहे थे, इन तीन वेवफॉर्म से हम बाहर नहीं जाते थे, याद है आपको? जी सर। तो अगर कोई वेवफॉर्म आपको दिया जाएगा तो इस इन तीनों से बाहर नहीं होगा। तीनों मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए कि उसके आरएमएस वैल्यू किस तरह निकलनी है, ठीक है। तो अगर मैं अब थ्योरेटिकल में से 20 में से अगर मैं आपको 7-8 भी वेवफॉर्म दे दूं, मुनासिब है ना? जान हो रही है, चले अच्छा चले, अजान खत्म हो गए, चले अल्लाह मालिमा। चले अच्छा, एक सवाल अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मैंने आपको रेजिस्टिव लोड का बता दिया, अगर मैं यही सवाल दे दूं आपको इंडक्टिव लोड के लिहाज से, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? इंडक्टिव में क्या होता है, फेज शिफ्ट कितना होता है इंडक्ट वोल्टेज और करंट में? बात सुन रहे मेरी? जी सर सुन रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं सर, पता नहीं। बता देता हूँ, देखिए सिंपल है। आपको जब इस तरह का सवाल दिया जाए ना, तो आप बिल्कुल बेसिक्स पे चले जाएं। अब आपको बेसिक एक चीज पढ़ाई गई है कि जो इंडक्टिव इंडक्टर की जो इम्पीडेंस होती है वो क्या होती है, जे ओमेगा एल। एल जी सर, यानी दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका रियल पार्ट क्या है, जीरो है। अब आपको अगर कोई कहे कि आप इसकी क्या निकालें, फेज निकालें, तो फेज निकालने का तरीका बताया ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या होता है कि आप इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ये क्लियर है? जी सर। अच्छा, ओमेगा एल को अगर आप जीरो से डिवाइड करेंगे, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इनफिनिटी। इनफिनिटी ये आप हमेशा देखेंगे कि जो टेंजेंट इन्फिनिटी है ना, ये आप देख लें, टेंजेंट क्या होता है,
टेंजेंट फाई, फाई में पर ये होता है साइन फाई और कॉस फाई। फाई की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ऊपर वाला वन हो जाए नीचे वाले जीरो हो जाए? अगर फाई की वैल्यू आप 90 ले लें तो यहां से इंफिनिटी आ जाएगा ना, प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इंफिनिटी कब होगा, जब आपका फेस क्या हो जाए 90। अब इसका मतलब ये आ गया कि वोल्टेज और जो आपके पास करंट है उसमें फेज डिफरेंस कितना है 90 है। तो अगर कॉस 90 आप लेंगे, ये अभी हमने पढ़ा है ना, मैं हिंट दे रहा हूं आप लोगों को, ये देखें कॉस 90 क्या होगा, जीरो होगा ना। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, आप समझ आ गई सवाल की और जवाब की या नहीं आई? जी सर आ गई, समझ आ गई ना। तो अगर आपको कोई भी सर्किट का पावर फैक्टर निकालना है तो आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए, उस सर्किट की इंपीडेंस पता होनी चाहिए। अगर आपको सर्किट की इंपीडेंस पता है वो एक्स प्लस जे जे वाई है, तो आपने क्या निकालना है, फेज निकालना है दोनों का, डिफरेंस कैसे निकालेंगे वाई और एक्स, और ये फेज डिफरेंस आएगा, जो भी वैल्यू आती है उसका कॉस ले रहे ना आपने, वो क्या होगा पावर फैक्टर। समझ आ गई, ये हिंट दे रहा हूं आपको, ठीक है जी सर ठीक। अगर आपको किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपने सिंपल इंपीडेंस निकालनी है, वो कैपेसिटर हो इंडक्टर हो, वो मिक्स सर्किट भी हो सकता है, आपको कहा जाए कोई मिक्स आपको दे दिए जाए, जैसे मैंने आपको सर्किट दे दिए थे पिछले दफा, तो इंपीडेंस तो आपको निकालना आ गया था ना, अब आपको ये पावर फैक्टर भी निकालना आ जाना चाहिए। मैंने आपको हिंट दे दिया किस तरह आपने निकालना है जी सर ठीक है। आपने वोल्टेज और करंट को देखना, उसका फेज डिफरेंस वो इसी तरह से आता है, उसका आपने क्या लेना है कॉस ले लेना है, या वोल्टेज लीड करेगा या करंट लीड करेगा, एक केस में पॉजिटिव आ जाएगा एक केस में क्या आएगा नेगेटिव आ जाएगा, यही हो सकता है ना जी। तो ये आप देखें कि कॉस माइनस थीटा, ये आप देख लेना कि ये हमेशा क्या होता है, चलिए आप देख लेना ये क्या होता है, पावर फैक्टर हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, कॉस आप नेगेटिव नंबर का लें पॉजिटिव नंबर का लें वो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो वो मैटर नहीं करता नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है। आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, जीरो से वन तक होगा पावर फैक्टर। अगर इसके अलावा कोई आंसर आपका आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप कैलकुलेशन में कोई एरर कर रहे हैं। क्यों मैं कह रहा हूं कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है वन और मिनिमम क्या वैल्यू होती है जीरो, तो कॉस हमेशा जीरो और वन के दरमियान होता है, तो अगर आपकी कोई और वैल्यू निकल रही है तो आप कोई एरर कर रहे हैं ना, तो ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं। पावर फैक्टर क्या होता है जीरो से लेकर वन तक, मिनिमम क्या होता है जीरो, मैक्सिमम क्या होता है वन, इसका मतलब है रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है वन। ये क्लियर है जी सर, ठीक है। तो इस तरह के सवाल में और ऐड कर दूंगा उस सेक्शन में, ये 20 एक एमसीक्यूज में बना लूंगा, आपके पास 10 एक आ जाएंगे उसमें से, ठीक है। कब सर होगा क्विज जी, कब सर क्विज होगा जी? क्विज नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर फाइनल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं, अच्छा मॉक एग्जाम आपसे एक ले लेते हैं उसमें कोई इस तरह के आपको दे देता हूं डमी से एग्जाम, ताकि आपके प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। आपको जी मुझे डेट बता दें टाइम बता दें, मैं रख लेता हूं आपके एक मॉक एग्जाम डमी से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए कि आपके जो फाइनल एग्जाम होगा किस तरह का होगा, वो वाले क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे फाइनल में, ये ना हो कि आप वो समझें, ठीक है ठीक है ठीक है, चलें एंड कर लें फिर लेक्चर, या कोई और सवाल पूछना है, अगर कल आप लोगों ने आना तो मैं आपको दूसरा क्विज भी सॉल्व करा दूंगा, दो क्विज और कर लेंगे अगर आपके आपने वो लेना है, कल है ना हमारी लैब, ठीक जी सर लैब है हमारी, तो फिर हम दो क्विज और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह से आपने सॉल्व करने, आज आपको मेरे ख्याल में बहुत सी पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। जी सर, ये क्विज था भी ज्यादा, इसमें 10 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन थे, बाकी में 5-6 क्वेश्चन होते, ठीक है। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।